क्या कर रहा है ये? आपने ही तो कहा था घर में पैर नहीं रखना, इसलिए हाथ रख रहे हैं। नहीं बन जाएगा, महीने का 2 लाख रुपए नहीं कमाएगा तब तक तू हाथ और पैर दोनों नहीं रखना मेरे घर पे। What? बाबूजी, एक दिन मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनकर दिखाऊंगा। हाँ हाँ, चल चल चल, निकल निकल। और एक बात कान खोल के सुन लीजिए। क्या? चल फोन रख। लेकिन फोन तो तूने किया है। अच्छा, तो एक बात और कान खोल के सुन लीजिए। क्या? मैं फोन रखता हूँ। अरे 10 रुपए, आज का दिन तो अच्छा है। अरे 20 रुपए, अरे साला, अरे 50 रुपए, लगता है करोड़पति बन जाएंगे। अरे 100 रुपए, 100 रुपए, अरे 500, यस। दीवार से टकराए करोड़पति बन जाए, यस। अब मुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। हम तो करोड़पति बनने वाले थे, ये हम कहाँ आ गए? अरे तरबूज, यहां जरूर कुछ गड़बड़ है। करोड़पति बनने के लिए लेफ्ट जाएं, यस। करोड़पति बनने के लिए राइट जाएं। रुको, है? कौन? ऊपर देखो, ऊपर। ऊपर? इस जंगल में आपका स्वागत है। अरे स्वागत हुआ, छोड़ो, करोड़पति कैसे बनना ये बताओ। करोड़पति बनने के लिए डांस करो। अच्छा, पहले बोलना चाहिए था ना, लगा गाना। शोल्डर नहीं, पिछवाड़ा हिलाओ, पिछवाड़ा। मुझे आपका डांस पसंद आया, आप करोड़पति नहीं डांसर बनो। है? अरे नहीं, 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 मुझे डांसर नहीं बनना है, मुझे करोड़पति बनना है। मेरा मनोरंजन के लिए धन्यवाद। अरे यार, थका दिया साला, भूख भी लग रहा है। तरबूज, अबे भौंकना बंद कर, हिंदी आता है मुझे। What? अच्छा, मतलब भाई भाई, मतलब तुम भी यहाँ करोड़पति बनने आया है? अरे हाँ, लेकिन तुमको कैसे पता चला? सर पे तरबूज, सेम है कपड़ा, जंगल में आ गया, हो गया लफड़ा। है? क्या क्या क्या? आज से ठीक 10 साल पहले हम लोग भी यहाँ करोड़पति बनने आए थे। तो फिर बना क्यों नहीं? क्योंकि जो इस जंगल में एक बार आता है वो वापस नहीं जा पाता। क्यों? क्योंकि रास्ता ही नहीं है। करोड़पति तो एक बहाना है, असली मकसद तुम सबको यहाँ लाके फंसाना है। देखा,
कहाँ देखा, सामने आएगा तब तो दिखेगा। अबे साले, मेरा कहने का मतलब है कि सुना उसने क्या कहा, हम लोगों को यहाँ फंसाया गया है, अब हम लोग यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल सकते। ऐसे कैसे नहीं निकल सकते, वो देखो क्या लिखा है। हाँ हम लोग भी देख रहे हैं, वहाँ 10 साल से कुछ लिखा है, लेकिन क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आता। इसका मतलब तुम लोग तीनों अनपढ़ है। कैसे? वहाँ लिखा है करोड़पति बनने के लिए लेफ्ट जाए। अरे चलो मेरे साथ। रुको, करोड़पति बनने के लिए खाना खाएं। हाँ ये कहाँ लिखा है? कहीं लिखा हुआ नहीं है। बहुत जोर से भूख लगा, चलो पहले खाना खाते हैं। खाना? हाँ यहाँ खाना ना नहीं मिलेगा तो यही पत्ता उत्ता खाना पड़ेगा। What? देखो वो खा रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए हम ये पत्ता उत्ता नहीं खाएंगे। तो क्या खाएगा? पिज्जा और बर्गर खाएंगे, अभी ऑर्डर करते हैं। हेलो, मेरे लिए एक पिज्जा और बर्गर भेज दो। हाँ सर, एड्रेस बोलिए कहाँ भेजना है। हाँ लिखो। हाँ बोलिए। एक घना जंगल के बीचों बीच 4 पेड़ के नीचे 3 अनपढ़ लोग के बगल में एक पढ़ा लिखा आदमी खड़ा है, वहीं भेज दो। क्या तो समझ नहीं आ रहा, फिर से बोलिए। अच्छा एक काम करो, तुम दुकान से पिज्जा और बर्गर लेके बाहर निकलो। ठीक है सर, निकलते हैं। हाँ सर निकल गए। फिर वहाँ से रोड पकड़ो, 10 कदम आगे जाके लेफ्ट लो। ठीक है सर। फील्ड पहुंच गया? हाँ पहुंच गया। अब सामने देखो एक दीवार होगा। हाँ है, इसमें लिखा है दीवार से टकराओ करोड़पति बन जाओ। टकरा जाओ। ठीक है। ये लीजिए सर आपका पिज्जा और बर्गर। थैंक यू ब्रो। पकड़ो, खाना नहीं। या मजा आ गया। सर पैसा? पैसा? वो जो बाहर में 50 का 100 का 500 का उठा था वो क्या था? अच्छा वो आपका था? हाँ हम ही रखे थे वहाँ। चलो जाओ। अरे सर रुकिए, क्या हुआ? हम इस जंगल में तो आ गए, अब इस जंगल से बाहर कैसे निकले? मुबारक हो, तुम भी इस जंगल में फंस चुका है। क्या? हाँ इन लोगों को देखो, 10 साल से यहाँ फंसा हुआ है और हम भी कुछ देर पहले ही फंसे हैं और अब तुम भी यहाँ फंस चुका है। अरे क्या हुआ? साला कितना अच्छा जिंदगी था, महीने का 5,000 रुपये कमाता था। अरे चिल्लर को छोड़ो, अब तुम अमीर बनने वाला है। क्या बाहर दीवार में क्या लिखा था? दीवार से टकराओ करोड़पति बन जाओ, और तुम दीवार से टकराया अब तुम अमीर बनने वाला है। वो कैसे? चलो मेरे साथ। ले जाओ। रे, ये क्या कर रहा है? देखो वहां क्या लिखा हुआ, करोड़पति बनने के लिए लेट जाओ। अबे साले, करोड़पति बनने के लिए लेट नहीं जाओ, करोड़पति बनने के लिए लेफ्ट जाओ, लेफ्ट।
साला अनपढ़ रुको रुक लेट जा चलो वो देखो वहां एक सूटकेस है अरे लगता है उसी में पैसा होगा यस अब हम लोग करोड़पति बनने वाले हैं चलो आ जा रुक जाओ कौन पीछे देखो पीछे पीछे साला तू है अरे यार भाई मैं नहीं आवाज पीछे से आया है पीछे से अब तू कौन है वो सूटकेस मेरा है मैं कैसे मान लूं कि ये सूटकेस आपका है आज से 200 साल पहले बाहर दीवार पे लिखा था दीवार से टकराओ करोड़पति बन जाओ तो मैं सोचा मैं जब करोड़पति बन जाऊंगा तो इतना सारा पैसा कहाँ रखूंगा इसलिए मैं इसे अपने साथ लाया था और यहाँ आके फंस गया मैं यहाँ पूरे 200 साल से फंसा हूँ 200 साल लेकिन 200 साल से आप जिंदा कैसे हैं यह जंगल बहुत खतरनाक है यहाँ जीना है मुश्किल और मरना है नामुमकिन मतलब इस जंगल में जो एक बार आता है ना ठीक से जी पाता है और ना ही ठीक से मर पाता है तो बस दिन रात इस जंगल में भटकता ही रहता है भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा है मैं तो कह रहा हूँ करोड़पति बनने का सपना छोड़ो और यहाँ से बाहर कैसे निकले वो सोचो बस डर गया जो डर गया वो समझो जंगल से बाहर कभी नहीं गया What? क्यों क्योंकि रास्ता ही नहीं पता अगर करोड़पति बनना है और जंगल से बाहर निकलना है तो चलो मेरे साथ ओ चाचा आप भी चलिए सूटकेस उठा लो पैसा रखने काम आएगा साला ये जंगल बहुत बड़ा है यहाँ से बाहर कैसे निकले करोड़पति कैसे बने कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस जंगल में आपका स्वागत है अगर आपको करोड़पति बनना है और जंगल से बाहर निकलना है तो आपको एक गेम खेलना होगा गेम हाँ गेम का नाम है कौन बनेगा करोड़पति इन द जंगल इसमें आपको 4 सवाल पूछे जाएंगे और आपको चारों का सही सही जवाब देना होगा अगर आप ये गेम को जीतते हैं तो आपको मिलेगा पूरे 10 करोड़ रुपए और साथ में जंगल से बाहर जाने का रास्ता यस हाँ तैयार है पूछिए सवाल तो आप सबसे पहले नीचे बैठ जाओ तो चलिए गेम को स्टार्ट करते हैं आपका पहला सवाल है पानी का स्वाद कैसा होता है पानी का सवाल अरे कोई ऑप्शन तो दीजिए इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा डायरेक्ट जवाब देना है पानी का सवाद हाँ पहले पानी पिलाइए उसके बाद बताएंगे ये लो मजा आ गया आप खाना के बारे में पूछिए अच्छा मुझसे चला कि अभी बताते हैं ये रसगुल्ला खा के दिखाओ इसमें कौन सी बड़ी बात है मैं तो ऐसे ही खा लूंगा खा लिया अब दिखाओ है? मैंने क्या बोला रसगुल्ला खा के दिखाओ खा लिया अब रसगुल्ला दिखाओ अरे आप कैसे दिखाएं आप तो पेट में चला गया आपने पहला सवाल का गलत जवाब दिया है अब आपसे दूसरा सवाल पूछा जाता है हैश देले रिंकिया के पापा इसमें रिंकिया का पापा ही क्यों हंस रहा है हैश देले रिंकिया के पापा ही क्यों हंस रहा है उसी से जाके पूछो ना यार हमको क्या पता रिंकिया के पापा ही हैश देले उसी से जाके पूछो आपने दूसरा सवाल का भी गलत जवाब दिया है अब आपसे तीसरा सवाल पूछा जाता है इश्क दी गली विच नो एंट्री ये जो इश्क की गली है उसमें एंट्री क्यों नहीं है हमको पता है ये जो इश्क का गली है ये बहुत पतला है इसलिए सबको उसमें फंस जाता है
बिल्कुल गलत जवाब। आपने तीसरा सवाल का भी गलत जवाब दिया है। अब आपसे चौथा सवाल पूछा जाता है। ये दुनिया हसीनों का मेला, ये जो हसीनों का मेला है दुनिया में कहाँ लगता है? इंस्टाग्राम रील्स पर। बिल्कुल सही जवाब। आपने चार में से केवल एक का जवाब दिया है, इसलिए आप ये गेम को पूरी तरह से हार चुके हैं। लगता है वह हम लोग इस जंगल से बाहर कभी नहीं निकल पाएंगे। बच गए यार, और हम लोग जंगल से बाहर भी आ गए, लेकिन हम लोग करोड़पति नहीं बन पाए। हाँ यार, बेग पक्का इसमें पैसा होगा। यस, अब हम लोग करोड़पति बनने वाले हैं। चला जाओ। अरे ये क्या है? ये क्या लिखा है? लालच बुरी बला है, मेहनत करके कमाओ इसी में सबका भला है।